फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम टूल किट की चर्चा करेंगे। टूल किट यानी वो टूल्स जो फिजिकल केमिस्ट्री में वाइडली यूज होंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सम टूल्स है जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनके बारे में हम फिजिक्स में डीपली डिस्कशन करते हैं, सो इनकी चर्चा यहाँ पर हम नहीं करेंगे। फर्स्ट टूल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है लॉग। सपोज एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, इस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट करता है पावर को एंड ए रिप्रेजेंट करता है बेस को। अब लॉग की चर्चा करते हैं, लॉग क्या है? तो बेसिकली लॉग इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल और पावर, यानी पावर का इनवर्स फंक्शन है वही लॉग है। तो यहाँ पर एक ये फंक्शन दिया हुआ वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो इसको लॉग में रिप्रेजेंट करेंगे। तो लॉग बेसिकली पावर ज्ञात करने के लिए यूज लिया जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग, यहाँ पर बेस ए था तो यहाँ पर भी बेस ए हो जाएगा y, तो यहाँ से पावर आ जाएगी और ये ही लॉग है। बेसिकली केमिस्ट्री में लॉग टू प्रकार से, लॉग के टू टाइप यूज होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल लॉग एंड सेकंड है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग को लॉग बेस ई और एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन लॉग में लॉग बेस टेन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बेस टेन होता है। इन दोनों में रिलेशन है, लॉग ई इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस टेन। एक नोट जो आपको याद रखना है, अगर लॉग में बेस कुछ भी नहीं दिया हो, जैसे डायरेक्ट दिया हो लॉग एक्स, तो यहाँ पर बेस टेन रीड करना है। तो लॉग एक्स की मीनिंग होगी लॉग बेस टेन एक्स। लॉग की मैं आपको सम वैल्यूज दे रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। इनके अलावा जो भी वैल्यूज होंगी उनको निकालना हम बेसिकली सीखेंगे। सो लॉग वन इज इक्वल टू होता है जीरो, लॉग टू इज इक्वल टू होता है 0.30, लॉग थ्री इज इक्वल टू 4.7 एंड लॉग फाइव इज इक्वल टू 0.699। बेसिकली इसको 0.70 यूज लेते हैं एंड लॉग सेवन इज इक्वल टू 0.84 एंड लॉग टेन इक्वल टू 1 एंड लॉग 11 इज इक्वल टू 1.04। इनके अलावा जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम निकाल लेंगे, और इसके लिए एक बेसिक तीन बेसिक रूल्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लॉग ए इंटू वी इज इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अपने को लॉग टेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो इसको लिख लेंगे लॉग टेन इज इक्वल टू लॉग फाइव इंटू टू इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी, यानी लॉग फाइव प्लस लॉग टू। लॉग फाइव की वैल्यू हो जाएगी 0.70 एंड लॉग टू इज इक्वल टू 0.30, सो लॉग टेन इज इक्वल टू 1 आ गया। सेकेंड रूल है लॉग ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल है लॉग फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो लॉग फाइव इज इक्वल टू लिख देंगे लॉग टेन डिवाइड बाई टू। तो लॉग ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, सो यहाँ पे लॉग टेन माइनस लॉग टू, लॉग टेन की वैल्यू 1 माइनस 0.30 इज इक्वल टू
0.70। एक नोट जो आपको रिमेम्बर रखना है वो ये है, जैसे लॉग ए प्लस बी नॉट इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी। यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए डॉट बी, ना कि लॉग ए प्लस बी। सिमिलरली लॉग ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए डिवाइड बाई बी होता है। एंड थर्ड रूल है लॉग ए टू द पावर बी को लिखना है, बी यहाँ पे आ गया जाएगा बी लॉग ए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल है लॉग हंड्रेड, लॉग हंड्रेड हो जाएगा लॉग टेन टू द पावर टू इक्वल्स टू हो जाएगा 2 log 10 की वैल्यू 1, आंसर आ गया 2। मैं सम एग्जांपल्स ले रहा हूँ लॉग के और उनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे मेरा फर्स्ट एग्जांपल है लॉग 13 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब लॉग 13 में एक प्रॉब्लम हो गई, जैसे लॉग 12 6 इंटू 2 कर लेंगे या 4 इंटू 3 कर लेंगे इक्वल टू लॉग 4 प्लस लॉग 3, बट लॉग 13 किसी का मल्टीप्लिकेशन में आ रहा ही नहीं है। सो इसको निकालने के लिए हम डिफरेंट अप्रोच यूज लेंगे और वो अप्रोच है लॉग 13 इक्वल टू एवरेज निकाल लेंगे किसका, लॉग 12 एंड लॉग 14 का, लॉग 12 प्लस लॉग 14 और लॉग 12 प्लस लॉग 14 ईजिली कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको लॉग 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, लॉग 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, लॉग ए इंटू बी हो गया, सो इसको लिख लेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग 10 टू द पावर माइनस 6। लॉग 18 को हम लिख लेंगे लॉग 9 इंटू 2 प्लस ये लॉग ए टू द पावर बी हो गया, तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गया जाएगी एंड लॉग 10। लॉग 9 इंटू 2 को इस प्रकार लिख लेंगे लॉग 3 स्क्वायर प्लस 2 आ गया माइनस 6 और लॉग 10 की वैल्यू 1। लॉग 3 स्क्वायर लॉग ए इंटू बी हो गया, तो इसको लिख लेंगे लॉग लॉग 3 स्क्वायर प्लस 2 को लिख लेंगे लॉग 3 का स्क्वायर इंटू 2 था, यहाँ पे इंटू 2 था, लॉग 3 स्क्वायर इंटू 2 को इसको लिख लेंगे लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग 3 स्क्वायर प्लस लॉग 2 माइनस 6। लॉग 3 स्क्वायर ये स्क्वायर पावर में आगे गुणा में आ जाएगा 2 लॉग 3 प्लस लॉग 2 माइनस 6, 2 लॉग 3 हो गया 2, लॉग 3 की वैल्यू 0.47 प्लस लॉग 2 की वैल्यू 0.30 माइनस 6, आंसर आ गया 4.76। इस प्रकार से हम लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप सब जानते हैं पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन माइनस लॉग एच थ्री ओ प्लस। अब यहाँ पे एच थ्री ओ प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 10^-3 m, आपको कैलकुलेट करनी है पीएच। सो पीएच कैलकुलेट करने के लिए लिख देंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10^-3। अब लॉग 10^-3 पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इसको लिख लेंगे माइनस माइनस 3 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस एंड माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 3। सो यहाँ पे पीएच आ गई 3। नेक्स्ट टूल जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है एंटी लॉग। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पीएच आप सबको पता है
पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लो H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लो पीएच होता है। सो अगर यहाँ पर हमें दे दे जैसे पीएच दे दिया, पीएच की कुछ भी वैल्यू दे दे, जैसे पीएच इज इक्वल टू दे दिया 2.3 दे दिया, और यहाँ से हमें हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछे कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। इनकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी H3O+ इज इक्वल टू हो जाएगी 10^-, पीएच इज इक्वल टू होगी 10^-2.3। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, 10^-2.3 ये डायरेक्ट बोल देता 10^-2 इज इक्वल टू हो गया 0.01, लेकिन यहाँ पर 2.3 इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो इसके लिए हम यूज लेंगे एंटी लॉग। सो एंटी लॉग निकालने का, एंटी लॉग निकालना हम एग्जांपल से सीखेंगे, और मैं फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, वो है एंटी लॉग 4.3। जैसे कुछ भी आपको कुछ भी एंटी लॉग की कुछ भी वैल्यू दी गई हो, उसको सोल्व करने के लिए जो ये नंबर है उसको दो वैल्यूज में डिवाइड करना है। एक होगी इंटीजर वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू होगी आफ्टर द पॉइंट वाली, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। सो इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। और ये वैल्यू होती है ना, जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले लिया मैंने यहाँ पे 4, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी 0.3। अभी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना, उसको इस प्रकार से लेना है कि उसका मान लॉग 1 लेकर log 10 के बीच होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0.3 यह log 2 की वैल्यू होती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे एंटी log 4.16 की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। तो इस नंबर को दो में डिवाइड कर देंगे, एक तो इंटीजर वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे 4 ले ली एंड पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.16। अब ये 0.16 है ना, ये किस लॉग की वैल्यू होती है? तो जैसे log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की 0.47, log 2 इज इक्वल टू 0.30, log 3 इज इक्वल टू 0.47। अभी ये वैल्यू तो किसी लॉग का मान ही नहीं आ रहा। सो यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इस प्रकार ले लेते हैं, 4+1-1+0.16। यहाँ पर 1 ऐड कर दिया एंड 1 ही सेपरेट कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगी अब 4+1 इज इक्वल टू 5-1+0.16 इज इक्वल टू -0.84। अब 0.84 हमें बताएगी log 7 की वैल्यू होती है। सो ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू होनी चाहिए जो log 1 से लेकर log 10 तक के बीच किसी log की वैल्यू हो, या आपको रिमेम्बर रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, अपन को ज्ञात करना था एंटी log 4.3 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया, एंटी log 4 इंटीजर वैल्यू प्लस 0.3। अब 4 होती है ना, वो हमें पता है 4 log 10^4 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे लिख दिया log 10^4+0.3, log 2 की वैल्यू होती है तो log 2। अब हमें पता है log a+b इज इक्वल टू log a × log b होता है, तो एंटी log 2 × 10^4। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 2 × 10^4। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल था एंटी लॉग 4.16। सो सिमिलर चीज यूज लेनी है यहाँ पर, एंटी लॉग इसको दो में डिवाइड करना है, एक इंटीजर वैल्यू एक पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.16 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये log 1 से लेकर log 10 में कुछ किसी log की वैल्यू आएगी नहीं। सो यहाँ पर ले लेंगे
5 - 0.84, अभी बताया था कैसे करना है, दोबारा बता देता हूँ एक बार। जैसे 4.16 है, इसको लिख लेंगे 4 + 1 - 1 एंड 0.16, इस प्रकार से करना है। सो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो एंटी लॉग 5 होती है लॉग 10 to the power 5 की वैल्यू, माइनस 0.84 होती है लॉग 7 की वैल्यू, माइनस लॉग 7। लॉग ए माइनस बी इज इक्वल होता है लॉग ए अपॉन लॉग बी। सो एंटी लॉग लॉग 10 to the power 5 डिवाइड बाई 7, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 10 to the power 5 डिवाइड बाई 7। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10 divided by 7 into 10। नेक्स्ट टूल जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो है वैल्यू यूनिट्स ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स भी है प्रेशर की, जिनके बीच रिलेशन हमें देखना है और वही हमें याद करना है। सो एक एटीएम यानी एटमॉस्फेयर ये कॉस्ट होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये कॉस्ट होता है 760 mm ऑफ एच जी, इसको बोल देते हैं 760 टोर एंड ये कॉस्ट होता है 1.01325 बार, ये कॉस्ट टू 1.01325 × 10 to the power 5 पास्कल, ये आपको याद रखना है। यानी एक मैं दोबारा बोल देता हूँ, एक ए टी एम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू 760 टोर इज इक्वल टू 1.01325 बार इज इक्वल टू 1.01325 × 10 to the power 5 पास्कल, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टूल जो हम ले रहे हैं वो है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट आप सबको पता है मीटर क्यूब। एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है वो है लीटर। सो इसमें रिलेशन देखेंगे हम, 1 लीटर इज इक्वल होता है 1 dm³ इज इक्वल होता है 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power 3 ml। और नेक्स्ट जो आपको याद रखना वो होता है 1 m³ इज इक्वल टू 10 to the power 3 लीटर। नेक्स्ट टूल जो आपको रिमेम्बर रखना है वो है वैल्यूज ऑफ आर। आर की डिफरेंट वैल्यूज फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होंगी, उनको आपको रिमेम्बर रखना है। सो आर की एस आई में वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इज इक्वल होता है 0.0821 लीटर ए टी एम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इज इक्वल होता है 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, अप्रोक्सीमेटली इसको 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी लिख देते हैं। याद रखना है वो क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होगा, वह एनर्जी पर एटम और पर मोल में कन्वर्जन। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से किलो जूल पर मोल में कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। सो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल होता है 96.5 किलो जूल पर मोल, यह आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी यूज होता है। सो इस वीडियो में हमने कुछ टूल किल्स आपके सामने डिस्कस किए हैं।